हेलो गाइस, वेलकम बैक। और तुम्हारा भाई आज की वीडियो में बात करने वाला है कि कौन से ऐसे ट्रेंड है जिन्होंने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर अपने नाम के ऊपर ठप्पा लगवा लिया मोस्ट ट्वीटेड का। ठीक है, मोस्ट ट्वीटेड मतलब सबसे ज्यादा ट्वीट होने वाला ट्रेंड ये वीडियो। ठीक है, मैं पुराने चैनल पे ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, तब तक किसी यूट्यूबर ने नहीं बनाई थी। ठीक है, मगर जैसे ही आसिम का एक ट्रेंड आया और उसने सीड के दोनों ट्रेंड को पछाड़ा और अपना नाम रजिस्टर करवाया मोस्ट ट्वीटेड कैटेगरी में, तो धरती के बोझ वाले यूट्यूबर ने बनाई इसके ऊपर वीडियो। और अब वो बंदा वीडियो नहीं बना रहा, क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला फैंस ने ऐसी तैसी कर दिया, रोज एक एक मिलियन मारते हुए आ रहे हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूं फिर से मोस्ट ट्वीटेड के अंदर सारे कंटेस्टेंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई तुम बाकियों के ट्रेंड नहीं बताते, तो गलतफहमी है तुम्हारी। आज तुमको तुम्हारी गलतफहमी पूरी कर दूंगा मैं। तो बात करने वाला हूं तीन कंटेस्टेंट की, शहनाज कौर गिल, आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला। ठीक है, तो ये तीन कंटेस्टेंट है जिनके ट्रेंड शामिल हुए टॉप 100 वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर, सबसे ज्यादा ट्वीट होने वाले ट्रेंड, मोस्ट ट्वीटेड। ठीक है, तो बात करता हूं सबसे पहले आसिम रियाज की। तो आसिम रियाज का एक ट्रेंड मोर पावर टू यू आसिम, जो ट्रेंड हुआ था 2.4 मिलियन पर, वो वर्ल्ड लेवल पर मोस्ट ट्वीटेड कैटेगरी में 84 रैंक के ऊपर आ चुका है। उससे ऊपर आते हैं तो 81 रैंक पे आई एम विद सिड शुक्ला, 2.4 मिलियन पर है ये भी, बट स्पीड ज्यादा होने की वजह से इसको रैंक ऊपर दी गई है 81 पर। उसके बाद 80 रैंक पर भी सिड का ही ट्रेंड आता है, ऑलवेज बाय यूर साइड सिड, जो हुआ था 2.5 मिलियन। उसके ऊपर 70 रैंक के ऊपर, 70 रैंक के ऊपर आप देख रहे होंगे स्क्रीनशॉट चिपकते जाएंगे। ठीक है, 70 रैंक के ऊपर फाइट बैक सना 2.7 मिलियन। ठीक है, इसका वैसे मैं डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगा, मतलब इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो फाइट बैक सना 2.7 मिलियन के साथ ट्रेंड हुआ था, जो वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर मोस्ट ट्वीटेड कैटेगरी में 70 रैंक के ऊपर रजिस्टर हो चुका है। उसके ऊपर सीधा पहुंच जाते हैं 41 पर विनिंग सिड। ठीक है, विनिंग सिड एक ऐसा ट्रेंड था जब विनर सिड हुआ था और उसने रिकॉर्ड बनाया था 4 मिलियन का, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए अगले 24 घंटे के अंदर ही विनिंग सिड आया था जिसने 3.6 मिलियन ट्रेंड मार दिया था। ठीक है, तो ये 41 रैंक के ऊपर है। उसके ऊपर 33 रैंक के ऊपर आ जाती है फिर से शहनाज कौर गिल, बॉर्न फाइटर सना, जो हुआ था 3.8 मिलियन के ऊपर। ठीक है, और बात करते हैं अब विनर सिड की, जो 23 रैंक के ऊपर है 4.4 मिलियन। और अब आता हूं मैं व्यूअर चॉइस आसिम, जो रैंक 10 पर है 6 मिलियन के साथ। ठीक है, तो अगेन बता रहा हूं अभी मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा, अभी मैं बात करूं कि किन ट्रेंड्स ने अपनी अपने ऊपर स्टैंप लगवा दिया मोस्ट ट्वीटेड कैटेगरी के अंदर वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर। ठीक है, अब आ जाता है भाई चार्ट बस्टर सिड, जिसने फाड़ के रख दी सबकी। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा ट्वीट हुए 8.4 मिलियन और रैंक है इसकी 5 वर्ल्ड वाइड। पिछले एक साल के अंदर जितने भी ट्रेंड्स हुए हैं, एक साल के डेटा के ऊपर बात कर रहा हूं मैं यहां पे, और वैसे अगर इस पे ट्वीट काउंट देखा जाए तो वो 11 मिलियन गए थे। ठीक है, तो गाइज ये थे कुछ ट्रेंड्स। अब मैं बात करता हूं इनकी कैलकुलेशन आप कर लो। मैंने बोला था कि चार्ट बस्टर सिड अकेला आसिम रियाज के सारे ट्रेंड्स में भारी पड़ा है, कैसे पड़ा बताता हूं। आसिम के सिर्फ दो ही ट्रेंड है जो टॉप 100 के अंदर है, एक है व्यूअर चॉइस आसिम और दूसरा है मोर पावर टू यू आसिम। ठीक है, तो व्यूअर चॉइस जो था वो 6 मिलियन हुआ, मोर पावर हुआ 2.4 मिलियन, टोटल कर लो आप, टोटल इसका होता है 8.4 मिलियन। तो जो चार्ट बस्टर को भी टक्कर नहीं दे सकता। और शहनाज और गिल की बात कर लूं तो उसके टोटल जो है वो भी दो है, उसके भी ट्रेंड जो टॉप 100 के अंदर है, एक है बॉर्न फाइटर सना और दूसरा है फाइट बैक सना। ठीक है, तो एक था 3.8 और एक था 2.7, टोटल हो गया 6.5, तो भाई कहीं दूर दूर तक ही नहीं है। ठीक है, तो भाई इसी के साथ सिद्धार्थ शुक्ला फैंस को भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने फाड़ के रखी हुई ट्विटर पे, मैं रोज देखता हूं 1 मिलियन को तो हलवा बना रखा है, मतलब रोज 1 मिलियन, रोज 1 मिलियन, रोज 1 मिलियन। तो भाई छा गए हो तुम और नजरों में आ चुके हो, ट्रॉफी बहुत पास है। ठीक है, बस यूं ही लगे रहो, यूं ही लगे रहो और कोशिश करो कि अब हर ट्वीट के अंदर अब हैशटैग मारो सिद्धार्थ शुक्ला, कोई रीजन है सोच के बोल रहा हूं कुछ, हैशटैग सिद्धार्थ शुक्ला हर ट्वीट के अंदर मारो। अगर आप ट्रेंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो तब आप अवॉइड कर सकते हो एक बार के लिए, बट हर ट्वीट के अंदर हैशटैग सिद्धार्थ शुक्ला होना बहुत जरूरी है। और शुक्ला के पीछे जो एल ए है उसका ध्यान रखना, स्पैमिंग होती है और उस एल को कैपिटल आई करके स्पैमिंग की जाती है, तो स्पैमिंग का भी आप ध्यान रखना। ठीक है, और केआरके के ऊपर वीडियो लाने वाला हूं, अभी के लिए चिल करो, एंजॉय करो, वीडियो को फैला दो, हर जगह शेयर होनी चाहिए, पता चलना चाहिए बिग बॉस वालों को कि भाई सिद्धार्थ शुक्ला फैन ने टॉप 100 के अंदर अपने 5 ट्रेंड्स को रजिस्टर कर दिया है। आसिम और सना के दो दो ट्रेंड हुए, मगर चार्ट बस्टर सीट जो अकेला ट्रेंड हुआ था जो 5 रैंक के ऊपर है वर्ल्ड वाइड, वो सारे ट्रेंड्स में भारी पड़ता है आसिम रियाज का या फिर शहनाज कौर गिल का। तो भाई चिल मारो, एंजॉय करो, भंगड़ा डालो, डांस करो, गिद्दा पाओ,
बॉलीवुड खेलो, जो कर रहा है करो, एंजॉय करो, मगर वीडियो को फैलाना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आने वाले 15 दिन रह गए और भाई कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने की, ताकि मोटिवेशन मिले उनको। और भाई अब ऐसा एक टाइम पीरियड आ गया कि आपको खुद को ही अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। फेक न्यूज वालों को फैलाने दो, उनकी बैंड बजाने वाला हूं मैं कल या परसों के अंदर, तो चिल मारो, एंजॉय करो, बाय बाय।